उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही अब राज्य में पंचायत की विभिन्न खाली सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम तय करते हुए 27 जून को मतदान तो 29 जून को मतगणना का दिन तय किया गया है। प्रदेश में 12 जिलों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव खाली सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर खाली सीटों को लेकर जिलों के जिलाधिकारी अलग से अधिसूचना जारी करेंगे। राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में जो पद खाली चल रहे थे उन पर चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है। क्या है चुनाव कार्यक्रम? चुनावी कार्यक्रम के तहत 13 जून और 14 जून को नामांकन किया जा सकेगा। 16 जून नाम वापसी का आखिरी दिन रखा गया है। मतदान की तारीख 27 जून तय की गई है तो मतगणना 29 जून को होगी। आपको बता दें कि राज्य में ग्राम सभा के सदस्यों से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के कई पद खाली चल रहे हैं। ग्राम सभा स्तर पर सदस्यों के लिए 4,821 सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। उधर 169 गांवों में प्रधान के खाली पदों पर चुनाव होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रूप में 21 खाली पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 3 खाली जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर भी चुनाव किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सभी अधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।